फिर कल से नवरात्रि उत्सव शुरू हो जाएगा, सभी लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। अक्का साहब, हमें आज ही मालेराव से बात कर लेनी चाहिए। ये लीजिए, इसे कहते हैं चमत्कार। आ गया हमारा मालेराव, सोचते ही सच हो जाने वाला सपना। हाँ हाँ, मैं तो सपना हूँ, मुझे असलियत में तो होना ही नहीं चाहिए था। छोटी अज्जी, अब आप भी मुझे ऐसी बुरी बातें कहेंगी। मालेराव? नहीं मालेराव, ऐसा क्यों कह रहे हो? और आपकी छोटी अज्जी आपसे ऐसी बातें क्यों कहेंगी? ये तो सिर्फ एक कहावत है, और आप जानते हैं बहुत अच्छी कहावत है ये। आप हमारा वो सपना है जो देखते ही वो सपना सच हो जाता है। अच्छा छोड़िए ये सारी बातें, आप हमें ये बताइए कि जब आप इतने दिन तक ईश्वरी सिंह के कैद में थे तो आपको डर नहीं लगा? क्या जी, हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है। अभी अभी मुक्ता को सारी कहानी बता कर आया हूँ। वैसे हरकू भाई साहेब, जब तक हम लोग बेहोश नहीं हुए थे तब तक हम सबको कितना मजा आ रहा था, है ना? हाँ मालेराव, तुम्हें याद होगा ना वन भोजन के बारे में? हाँ, जब तक बेहोश नहीं हुआ था तब तक का सब याद है। और पता है जी, मैं मेरे मित्रों के साथ खरगोश पकड़ने भागा था, लेकिन खरगोश को भी इधर तो उधर भाग रहा था, फिर तो मैं आग से ही निकल गया। लेकिन तब तक तो बहुत मजा आ रहा था ना? एक बात बताएं हम आपको, जब हम आपकी तरह छोटे थे ना तो हम भी वन भोजन के लिए जाया करते थे और खरगोश पकड़ते थे। फिर पकड़ा आपने खरगोश? मतलब छोटे थे ना तो हाथ में ही नहीं आता था, लेकिन आप जानते हैं हमें किसने बताया था वन भोजन और खरगोश कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में? हमारी आई साहेब ने। और जब आपके बाबा साहेब आपके जैसे छोटे थे ना तो उनको वन भोजन के बारे में और खरगोश कहाँ पाए जाते हैं वो किसने बताया था जानते हैं आप? किसने? उनके बाबा साहेब ने। अब ऐसे ही तो होता है, अब बड़े ही तो बच्चों को बताते हैं, वरना बताइए बच्चों को कैसे पता चलेगा? हाँ सही बात है, बड़े ही तो बच्चों को बताते हैं। वैसे हम ना आपके बाबा साहेब से बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वन भोजन के बारे में नहीं बताया, इसीलिए। हाँ। तो मालेराव, तुम्हें किसने बताया वन भोजन के बारे में? तुम जानते हो जब हम और खंडेराव छोटे थे ना तब वन में जाकर खरगोश भी पकड़ा करते थे। अगर सारे दिन घर से बाहर रहते थे फिर भोजन कब करते थे? समय पर भोजन करते थे, वन भोजन। किसने बताया मालेराव, बताइए? नहीं छोटी अज्जी, वन भोजन का विचार तो मेरे मन में ऐसे ही अपने आप आया था। ऐसे कई विचार मेरे मन में तो आते ही रहते हैं, खेल की नई नई कल्पनाएं आती रहती है, तो बस ऐसे ही भी आ गया। लेकिन मालेराव, किसी ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि वन भोजन क्या होता है, तुम्हें कौन सी जगह वन भोजन के लिए जाना चाहिए, किसी ने बताया होगा ना तुम्हें? नहीं छोटी अज्जी, ये हमारा अपना विचार था। ये हम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।